हेलो एवरी वन यू ऑल आर वेलकम बैक टू आर चैनल द वाइट स्लेट पढ़ाई एंड टूडे वी आर गोइंग टू डू दी पढ़ाई ऑफ़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इससे पहले हमने तीन और वीडियोज़ देखे थे जिनमें फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ़ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स हमने पढ़ा था फिर उसके बाद हमने यूज़ ऑफ़ मेटल्स और यूजेज़ ऑफ़ नॉन मेटल्स देखे आज हम लोग अपनी केमिकल प्रॉपर्टीज़ के ऊपर फोकस करने वाले हैं तो जैसे हमारी फ़िजिकल प्रॉपर्टीज़ थी वैसे ही मेटल्स और नॉन मेटल्स जो हैं उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज़ भी होती हैं कैसी होती हैं कि मेटल्स जो हैं वो कुछ चीज़ों के साथ रिएक्ट करके एक अलग चीज़ बनाते हैं और नॉन मेटल्स अलग तरह से उनके साथ रिएक्ट करते हैं तो इसके बेसिस पे भी हम अपने मेटल्स और नॉन मेटल्स के बीच में डिफ्रेंशिएशन जो है वो कर सकते हैं तो आज हम वही पांच चीज़ों के साथ रिएक्शन कराएंगे अपने मेटल्स का भी और नॉन मेटल्स का भी और ये देखेंगे कि क्या बनता है और जो भी चीज़ बन रही है उसके बेसिस पे हम डिफ्रेंशिएट करने की कोशिश करेंगे तो वो पांच रिएक्शंस जो हम करने वाले हैं वो है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन तो सबसे पहले इसी के साथ शुरुआत करते हैं सबसे पहले है रिएक्शन विथ ऑक्सीजन फिर रिएक्शन विथ वाटर है मेरे पास फिर है मेरा यहाँ पे रिएक्शन विथ एसिड्स इसी तरीके से रिएक्शन विथ बेसिस अब एसिड बेसिस क्या है या आप ऑलरेडी सेवेंथ में पढ़ चुके हो तो उनके साथ भी अलग अलग रिएक्ट करा के देखेंगे और लास्ट में है मेरा रिएक्शन विथ सॉल्ट सल्यूशन अब आपने सेवन्थ में सॉल्ट के बारे में भी पढ़ा था कि सॉल्ट क्या होता है तो सॉल्ट का सोल्यूशन भी हम लोग यूज करके देखेंगे कि उसके साथ क्या मेरा बनता है तो पहले वाले के साथ स्टार्ट करते हैं पहले वाला जो है वो रिएक्शन विथ ऑक्सीजन है अब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके मेरे मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों ही जो है वो बेसिक वो हमारे मेटल और नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनाते हैं जैसे मेटल रिएक्ट किया मेरे ऑक्सीजन के साथ तो क्या बनाएगा मेटल ऑक्साइड बनाएगा इसी तरह से नॉन मेटल कोई भी रिएक्ट किया तो ऑक्सीजन के साथ तो वो नॉन मेटल ऑक्साइड बनाएगा जैसे कि आप कुछ एग्जाम्पल अपने पिछले क्लास में देख चुके हैं आपने रस्ट का एग्जाम्पल देखा था आयरन जब ऑक्सीजन के आ, उसमें आ रही थी प्रेजेंस में तो वो हमारी क्या बना रही थी आयरन ऑक्साइड बना रही थी Fe2O3 जो है वो बन रहा था वहाँ पे तो ये है आयरन जो है वो एक मेटल थी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट की और उसने यहाँ पे Fe2O3 आयरन ऑक्साइड जो था वो बना लिया था हमारा अब ये जो मेरा आयरन ऑक्साइड था इसमें और सिमिलरली अगर एक नॉन मेटल ले लिया मैंने सल्फर उसे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया तो मेरा यहाँ पर सल्फर ऑक्साइड बन गया तो ये जो दोनों चीज़ें मेरे पास बनी हैं सल्फर डाइऑक्साइड और ये यहाँ पे आयरन ऑक्साइड जो बन गया है मेरा क्या ये दोनों चीज़ें सेम हैं ऑब्वियसली देखो चीज़ तो अलग अलग बनी है साथ में इनका नेचर भी बिल्कुल डिफरेंट होता है जितनी भी मेरी यहाँ पे मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं वो सब बेसिक होती हैं मतलब वो सब बेसिस होते हैं अगर आप उनमें रेड अपना हमारा लिटमस पेपर जो होता है रेड लिटमस पेपर डिप करते हैं तो वो ब्लू में कन्वर्ट हो जाएगा इसका मीनिंग क्या हुआ कि मेरा जो जितनी भी मेटल ऑक्साइड्स बन रही हैं वो सब बेसिक हैं वो सब बेसिस हैं सिमिलरली जो मेरी नॉन मेटल ऑक्साइड्स बनती हैं अगर आप उनमें ब्लू लिटमस पेपर डिप कराएँगे तो वो रेड में कन्वर्ट हो जाएगा मतलब कि मेरी सारी की सारी नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होती हैं वो एसिडिक होती हैं नेचर में इसी वजह से ये जो सल्फर हमारे सल्फर डाइऑक्साइड एक्चुअली एसो टू हमारे उसमें भी प्रेजेंट है एनवायरमेंट में तो जब पानी आता है बारिश आती है तो उसके साथ मिलके ऐसे ड्रेन होने लग जाती है क्यों क्योंकि ये इस टाइप की जो एसिडिक ऑक्साइड्स हैं वो प्रेजेंट हैं हमारे एनवायरमेंट में तो ये जो नॉन मेटल्स हैं वो एसिडिक ऑक्साइड्स बनाते हैं और जो मेटल्स हैं वो बेसिक ऑक्साइड्स बनाते हैं ये इनमें मेजर डिफरेंस है कि ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट तो दोनों चीज़ें कर रही हैं और ऑक्साइड्स ही बनाती हैं पर एक जो है वो बेसिक है मेटल वाली और जो नॉन मेटल वाली है वो हमारे हमारी एसिडिक है अब चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं रिएक्शन विथ वाटर अब वाटर के साथ आप सोच रहे होंगे कि कोई भी चीज़ जो है वो ज़रूर रिएक्ट कर जाएगी तो ऐसा नहीं है यहाँ पर वाटर के साथ जो है अगर हमारा एक मेटल रिएक्ट करता है तो मेटल हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस जो है वो बनाता है एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर सोडियम मेटल लिया आपको मैं पहले भी शायद बता चुकी हूं कि सोडियम मेटल जो है वो बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव होता है अगर आप उसे हवा में रखेंगे तो भी उसमें आग लग जाती है क्योंकि वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और पानी के साथ तो वो और तेजी से रिएक्ट करता है आप पानी में ऑक्सी अगर सोडियम को डाल देते हैं तो तुरंत ही तेजी से आग जो है लग जाएगी एकदम ऐसा लगेगा जैसे कि आपने वहां पर कोई फायर क्रैकर जो है वो जला दिए हूँ तो सोडियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करता है तो वो मेरा एन मतलब मेटल हाइड्रो बना लेता है यहाँ पर सोडियम हाइड्रो बना लेता है ये

तो हाइड्रोजन गैस जो है वो हमेशा एक पॉप साउंड के साथ बर्न करती है और ये हमें बताती है कि हाँ भाई हाइड्रोजन गैस जो है वो वहाँ पे प्रेजेंट है तो ये तो था मेरा एक एग्ज़ाम्पल मेटल्स का वाटर के साथ रिएक्शन से लेकिन जो नॉन मेटल्स हैं उनका क्या तो नॉन मेटल्स जो हैं वो वाटर के साथ रिएक्ट ही नहीं करते हैं बिल्कुल भी इसी वजह से एक बहुत ही रिएक्टिव नॉन मेटल है जिसका नाम होता है फॉसफोरस जो मेरा ये फॉसफोरस है जिसे मैं यहाँ पे के से रिप्रेजेंट करती हूँ तो ये जो फॉस्फोरस है सॉरी uh, कैसे रिप्रेजेंट नहीं करती हूँ कैसे तो हम पोटेशियम को रिप्रेजेंट करते हैं जो फॉस्फोरस है वो क्या होता है मेरा बहुत ही ज़्यादा रिएक्टिव एक मेटल होता है और ये इसको हम लोग किस में रखते हैं ये जो मेरा फॉस्फोरस है इसे हम लोग पानी के अंदर रखते हैं ताकि ये ज़्यादा रिएक्ट नहीं करे ठीक है ज़्यादा ये रिएक्ट ना करे इस वजह से हम इस फॉस्फोरस को पानी के अंदर डिप करके रखते हैं ये एक हमारा नॉन मेटल है और बिल्कुल भी जो है वो रिएक्ट नहीं करता पानी के साथ नॉन मेटल्स नहीं रिएक्ट करते तो वो भी रिएक्ट नहीं करता उसे हम आराम से पानी के अंदर डिप रख सकते हैं ताकि वो ज़्यादा रिएक्शन कोई शो ना करे तो यही हमारा मेजर डिफरेंस है कि मेटल्स जो हैं वो मेटल हाइड्रो बना रहे हैं नॉन मेटल्स जो हैं वो रिएक्ट ही नहीं करते वाटर के साथ अभी थर्ड के ऊपर आते हैं रिएक्शन विथ एसिड्स तो एसिड्स के साथ भी सेम केस है कि कुछ तो हमारे ऐसे मेटल्स हैं जो डायल्यूट एसिड्स के साथ भी रिएक्ट कर रहे हैं मतलब कि उनमें इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड्स नहीं है फिर भी उनके साथ भी रिएक्ट कर जा रहे हैं और कुछ ऐसे होते हैं जो बहुत ही हार्ड एसिड्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते और नॉन मेटल्स के साथ भी ऐसा है कि वो बिल्कुल भी डायल्यूट एसिड्स के साथ रिएक्ट नहीं करते हाँ अगर बहुत ही ज़्यादा हार्ड स्ट्रॉन्ग कंसनट्रेटेड कोई एसिड होगा तो नॉन मेटल्स थोड़ा बहुत रिएक्ट कर सकते हैं वरना नॉन मेटल्स जो हैं वो एसिड्स के साथ भी रिएक्शन नहीं शो करते तो यहाँ डायल्यूट एसिड के साथ देखते हैं सबसे पहले तो डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट करके मेटल सॉल्ट बन जाता है मतलब जैसे मैंने यहाँ मैग्नीशियम लिया और मैग्नीशियम को मैंने एक हाइड्रोक्लोरिक एसिड एच के साथ में यहाँ पर रिएक्ट कराया तो मुझे एम मतलब कि मैग्नीशियम क्लोराइड मिल गया तो मैग्नीशियम क्लोराइड जो होता है मेरा वो एक मेटल सॉल्ट है तो वो मुझे मिल गया यहाँ पे सिमिलरली मैं यहाँ पे एल्यूमिनियम को एच के साथ रिएक्ट कराती तो मुझे एल्यूमिनियम क्लोराइड मिल जाता अगर मैं आयरन को कराती एफ तो मुझे यहाँ पे एफ मिलता जो कि आयरन क्लोराइड हो जाता जिंक को कराती तो मुझे जिंक क्लोराइड मिल जाता जेड तो वही चीज है यहाँ पे कि किसी भी इन सारे मेटल्स को जो रिएक्टिव मेटल्स हैं अगर इन्हें मैं डाइल्यूट एसिड के साथ रिएक्ट कराती हूँ तो मुझे यहाँ पे मेटल ऑक्साइड मेटल हा सॉल्ट मिल रहा है और साथ में फिर से हाइड्रोजन गैस जो है वो भी मिल रही है पर सारे मेटल्स ऐसे रिएक्ट नहीं करते फॉर एग्जांपल अगर आप कॉपर को ले लेते हैं तो कॉपर जो है वो इतना ज़्यादा रिएक्टिव मेटल नहीं है वो बहुत कम रिएक्टिव है तो ये नहीं रिएक्ट करता हमारा डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ लेकिन हाइड्रोक्लोरिक एसिड से भी भड़के एक और एसिड है जो ज़्यादा कंसनट्रेटेड होता है ज़्यादा पावर वाला होता है तो वो है मेरा सल्फ्यूरिक एसिड उसको हम बोलते हैं एच टू एस ओ फोर जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड को एच सी एल कहते हैं ऐसे सल्फ्यूरिक एसिड को हम कहते हैं एच टू एस ओ फोर तो ये जो सल्फ्यूरिक एसिड है उसके साथ मेरा कॉपर जो है वो रिएक्ट करता है वरना वो रिएक्ट नहीं करता डायल्यूट एच सी एल के साथ डायल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ नहीं करता बल्कि उसकी जगह पे वो मेरा यहाँ पे जो H2SO4 है सल्फ्यूरिक एसिड उसके साथ रिएक्ट करता है अगर आप ऐसे ही गोल्ड और सिल्वर को देखते हैं Ag और Au जो है वो गोल्ड और सिल्वर के हमारे साइन है Ag जो है वो सिल्वर का साइन होता है और ए यू जो है वो गोल्ड का साइन होता है तो ये जो दोनों मेरे हैं ए जी और ए यू ये दोनों मेरे बिल्कुल भी रिएक्ट नहीं करते किसी भी एसिड के साथ ये जो है बहुत ही स्ट्रॉन्ग कोई एसिड होगा बल्कि दो एसिड्स को मिक्स कर देते हैं नाइट्रिक एसिड और एस टू एस ओ फोर उन्हें मिक्स करके हम एक नया मिक्सचर बनाते हैं बहुत ही हाई कंसनट्रेटेड एसिड उसके साथ ये रिएक्ट करते हैं वरना जनरली ये सिंगल किसी एसिड के साथ रिएक्शन जो है गोल्ड और हमारे सिल्वर नहीं शो करते हैं तो सिमिलरली अगर आप यहाँ पे नॉन मेटल्स को देखते हैं तो नॉन मेटल्स में आपको बता चुकी हूँ रिएक्ट नहीं करते एसिड्स के साथ भी ये भी डिफिक डिफरेंट है इसमें डिफरेंस है अब हम बेसिस के ऊपर अगर आते हैं तो बेसिस के साथ भी सेम चीज़ है मेटल और बेसिस मिलके अपना सॉल्ट बना लेते हैं और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बना लेते हैं तो डिफरेंस इसमें भी कुछ नहीं है एसिड और बेस दोनों के साथ मेटल्स जो है भेदभाव नहीं करते एक जैसा ही रिएक्ट करते हैं एग्जाम्पल के तौर पे अगर मैंने एल्युमिनियम को एक बेस है एने जिसे बोलते हैं सोडियम हाइड्रो ये एल जो है एल्युमिनियम है और ये हो गया मेरा सोडियम हाइड्रो तो अगर मैं सोडियम हाइड्रो जो होता है वो एक बेस होता है उसके साथ रिएक्ट करा देती हूँ मेरे एल्युमिनियम को तो यहाँ पे मेरा जो है सोडियम एल्यूमिनेट नाम का एक सॉल्ट बन जाता है एन एल ओ टू जो है उसे हम बोलते हैं सोडियम एल्यूमिनेट इसका नाम है तो सोडियम एल्यूमिनेट नाम का एक सॉल्ट बन जाता है और साथ में हाइड्रोजन गैस भी बनती है अगर आप जब ये रिएक्शन चल रहा हो तो इसके पास एक बर्निंग मैचस्टिक लेके जाएंगे तो फिर से वो पॉप की साउंड के साथ जो है जलना बंद हो जाएगी तो उससे पता चलता है कि हाइड्रोजन गैस है हमारी यहाँ पे Uh, अगर आप नॉन मेटल का रिएक्शन करवाते हैं बेसिस के साथ तो बहुत ही कॉम्प्लेक्स रिएक्शन होता है ईजिली ऐसे डिस्क्राइब नहीं किया जा सकता उसे उसके बारे में हम हायर क्लासेस में पढ़ेंगे uh, पर यहाँ पे जो है ना एक डिफरेंस अभी के लिए जो निकल के आ रहा है वो है कि यहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं बनती जो रिएक्शन तो बिल्कुल बेसिस के साथ हमारे नॉन मेटल्स करते हैं पर हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म करते ये डिफरेंस है एक मेजर डिफरेंस है इसी तरीके से अगर हम रिएक्शन विथ सॉल्ट सल्यूशन चलते हैं लास्ट हमारा इस चैप्टर का भी टॉपिक हो जाएगा और हमारा आज के वीडियो के लिए भी कि रिएक्शन विथ सॉल्ट सल्यूशन के बारे में बात हो रही है कि कोई सॉल्ट का सल्यूशन लिया मैंने जैसे मैंने कॉपर सल्फेट लिया मैंने जिंक सल्फ़ेट लिया है मैंने यहाँ पे फ़ेरस सल्फेट ले लिया है या इस तरीके से कुछ भी सॉल्ट जो हैं वो मैंने ले लिए हैं तो अगर मैं सॉल्ट के साथ अपने मेटल्स का और नॉन मेटल्स का रिएक्शन कराती हूँ तो क्या बनेगा तो यहाँ पे क्या आता है यहाँ पे एक नई चीज़ सामने आती है जिसको हम बोलते हैं रिएक्टिविटी सीरीज़ जो कि मेटल्स के लिए क्या है वो मैंने लिखी हुई है बाकी आप पूरी आ, सारे के सारे एलिमेंट्स के लिए पढ़ते हैं तो वो आपको टेंथ क्लास में पढ़ाई जाएगी तो मेटल्स के लिए जो रिएक्टिविटी सीरीज़ है वो कुछ इस तरह से है कि सबसे ज़्यादा रिएक्टिव जो मेटल है वो है मेरा पोटेशियम उसे के से रिप्रेजेंट करते हैं फिर मेरा सोडियम है बहुत रिएक्टिव फिर मेरे पास यहाँ पे कैल्शियम है मैग्नीशियम है एल्यूमिनियम है जिंक है आयरन है फिर एस एन हम टिन को बोलते हैं पीबी हम लेड को बोलते हैं सी यू कॉपर है ए जी सिल्वर गोल्ड और पीटी जो जो है वो प्लेटिनम हो गया तो ये मेरी रिएक्टिविटी सीरीज़ है सबसे ज्यादा तो तो दो फ्रेंड्स जा रहे हैं उनमें से एक मेरे जैसा है एक टिमिड है थोड़ा सा बेचारा कम बोलता है तो जो ज्यादा मेरे जैसा है ना मैं उसके साथ आराम से लग लूंगी और जो टिमिड था उसको दूर कर दूंगी कि तुम दूर रहो यार जो है ना ज्यादा अच्छा जम रहा है हम जमा लेते हैं अपना काम हम दोस्त अच्छे बन जाते तो वैसा ही कुछ यहाँ होता है जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप जिंक और कॉपर को देखते हैं मैंने जिंक के साथ जो है यहाँ पर अपना कॉपर सल्फेट का जो है वो यहाँ पर रिएक्शन करवाया आप देखिए कॉपर तो यहाँ नीचे बैठा है रिएक्टिविटी सीरीज में और जिंक उसके काफ़ी ऊपर है इसका मतलब है कि जिंक ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक क्या करेगा यहाँ पे कॉपर को हटा देगा डिस्प्लेस कर देगा बोलेगा तुम हटो यहाँ से मैं सल्फेट के साथ जाऊँगा मैं उसके साथ रहूँगा तो ये यह यहाँ पे तो जिंक जो है कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है हटा देता है लात मार के निकाल देता है और ये जो है जिंक यहाँ सल्फर के साथ में जुड़ गया अपना और उसने जिंक सल्फेट सल्यूशन जो है जिंक सल्फेट एक सॉल्ट जो है बना लिया और कॉपर को डिस्प्लेस कर लिया लेकिन अगर इसका उल्टा होता कि जिंक सल्फेट बैठा होता कॉपर आता अब वो रिएक्शन तो करता नहीं है आता वो बेचारा चुपचाप बैठा रहता कोशिश करता कि शायद सल्फेट मुझसे बात करने लगे पर सल्फेट क्यों बात करेगा क्योंकि वो तो ऑलरेडी जिंक के जैसा ही है और दोनों एक दूसरे के साथ आराम से खुशी खुशी रह रहे हैं अब तो कॉपर के साथ जो है वो नहीं रिएक्ट किया क्योंकि कॉपर क्यों मेरा नीचे आ रहा है रिएक्टिविटी सीरीज में कम रिएक्टिव है तो वो जिंक को डिस्प्लेस नहीं कर पाएगा लेकिन जिंक जो है वो कॉपर को डिस्प्लेस कर सकता है अब जिंक देखो किसको किसको डिस्प्लेस कर सकता है जिंक यहाँ पे आयरन को लेड को हमारा टिन को कॉपर को इन सबको रिप्लेस कर सकता है क्योंकि वो ज़्यादा रिएक्टिव है और अगर ऊपर देखते हैं आप तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम कैल्शियम सोडियम और जो पोटेशियम है ये जिंक को ऑन दी अदर हैंड जो रिप्लेस कर सकते हैं तो वही मैंने कुछ यहाँ और लिखे हुए हैं कि अगर मैंने आयरन और सी यू एस ओ फोर लिया है तो आयरन भी जो है वो कॉपर के साथ वही करेगा जो जिंक ने किया क्योंकि आयरन भी देखिए ऊपर आ रहा है और कॉपर नीचे आ रहा है तो वो रिप्लेस कर जाएगा सिमिलरली अगर मैंने जिंक और एफ ई फोर लिया है तो जिंक जो है वो आयरन से ज़्यादा रिएक्टिव है तो जिंक जो है वो एफ ई को भी यहाँ पर एफ़ी फोर में से एफ ई को भी हटा देगा आयरन को भी हटा देगा और उसकी जगह भी यहाँ पर ले लेगा तो ये रिएक्टिविटी सीरीज आप अच्छे से टेंथ में पढ़ेंगे तब आप इसका शॉर्टकट भी पढ़ेंगे मैं जब टेंथ वाली मैथ आ, साइंस पढ़ा रही होंगी तो मैं आपको इसका शॉर्टकट भी याद करने का बताऊंगी कि कैसे एक प्यारे से सेंटेंस के फॉर्म में या एक राइम के फॉर्म में आप इसको याद कर सकते हैं अभी फिलहाल के लिए इतनी ज़रूरत भी नहीं है सिर्फ आपको मेटल्स की ही रिएक्टिविटी सीरीज थोड़ी सी देखनी है तो मैंने बता दी है अब आपका क्वेश्चन होगा कि नॉन मेटल्स का क्या तो नॉन मेटल्स भी इसी रिएक्टिविटी सीरीज के बीच बीच में आते हैं और वो उसी हिसाब से रिएक्ट करते हैं जिस नंबर पे उनकी प्लेसमेंट है कुछ जो है ज़्यादा रिएक्टिव हैं तो वो डिस्प्लेस कर देते हैं और सॉल्ट फॉर्म कर लेते हैं जो कम रिएक्टिव हैं वो नीचे रह जाते हैं वो नहीं डिस्प्लेस कर पाते डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं शो कर पाते तो यही था हमारा मेटल्स और नॉन मेटल्स की केमिकल प्रॉपर्टीज़ जो हर जगह पे आपको एक डिफरेंस देखने को मिला यहाँ पे जो है मेटल्स बेसिक ऑक्साइड बना रहे हैं नॉन मेटल्स एसिडिक ऑक्साइड बना रहे हैं वाटर के साथ मेटल्स नॉन जो है वो अच्छे से रिएक्ट कर रहे हैं पर नॉन मेटल्स नहीं करते रिएक्ट फिर जब हम एसिड में आए तो भी हमने सेम चीज़ देखी कि मेटल्स तो रिएक्ट करते हैं नॉन मेटल्स नहीं करते रिएक्ट बेसिस के साथ जब हमने देखा तो मेटल्स जो है हाइड्रोजन गैस भी फॉर्म कर रहे थे रिएक्शन के बाद पर नॉन मेटल्स जो है वो हाइड्रोजन गैस नहीं फॉर्म कर रहे और ये तो पूरा कॉन्सेप्ट ही डिफरेंट है यहाँ सॉल्ट के साथ तो आपका रिएक्टिविटी सीरीज आ जाती है जो ज़्यादा रिएक्टिव है वो अच्छे से काम करेगा वो जो है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन शो करेगा और जो कम रिएक्टिव है कम रिएक्शन दिखाता है ज़्यादा इतना हाइपर एक्टिव नहीं है बेचारा तो वो नहीं कर पाएगा ज़्यादा रिएक्शन शो इसी वजह से आप देखते होंगे प्लेटिनम हो गया हमारा गोल्ड हो गया आ, सिल्वर हो गया क्योंकि ये सब रिएक्ट नहीं कर रहे तो इन सबसे हम ज्वेलरी बनाते हैं रिएक्ट भी नहीं करते हमें कोई इचिंग नहीं इनसे होती कोई प्रॉब्लम नहीं होती आसानी से आप इनसे बनी हुई चीज़ों को पहन सकते हो और इसीलिए ये मेटल्स जो हैं वो कहीं ना कहीं प्रेशियस मेटल्स में भी आ जाते हैं एक तो बड़ी मुश्किल से मिलते हैं और ऊपर से रिएक्टिव भी नहीं है इतने तो ये हमें प्योर फॉर्म में भी मिल जाते हैं बाकी सब चीज़ें जो हैं वो जब हम ओर से निकालते हैं तो तभी भी हमें मिक्स फॉर्म में ही मिलती हैं रिएक्टिव हैं किसी न किसी के साथ के साथ रिएक्शन करके ही पड़ी होती हैं तो बस आज के लिए इतना ही था मिलते हैं फिर नेक्स्ट डे और नेक्स्ट डे में हम लोग जो है नया चैप्टर अपना कोल एंड पेट्रोलियम जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं तो भूलिएगा मत जरूर आइए और ये वीडियोस हमारी दो बजे आती हैं एट्थ क्लास के साइंस वाली इनको ज़रूर देखिए ठीक है और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए तो फिर मिलते हैं फिर बाय बाय